तो जून का महीना चल रहा है और आधा साल कहाँ गया पता भी नहीं चला। पर भाई इस महीने में पास स्मार्टफोन्स तो बहुत सही सही आने वाले, आपको सारे बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं OnePlus से। तो OnePlus आपको पता ही है कि बहुत टाइम से साइलेंट लॉन्चेस कर रहा है, कब लॉन्च कर देता है फोन पता भी नहीं चलता। और इनका OnePlus Nord जो कि एक मिड रेंज फोन है, काफी ज्यादा पॉपुलर होता है और लोग उसे खरीदते ही है। और इस बार भी इसकी काफी हाइप है क्योंकि बहुत सही फीचर लाने वाला है। टेक्स की बात कर ही लेते हैं तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। Qualcomm का Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर आएगा। बेस वेरिएंट होगा 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। बाकी 5000mAh की बैटरी होगी और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आएगी। अब कैमरा की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि कैमरा के लिए फोन लेना है। तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा होने वाला है। 50MP यहाँ पे मेन कैमरा होगा, 13MP का एक अल्ट्रा वाइड होगा और साथ में 5MP का मैक्रो कैमरा। 2 से 5 पे आ गए यार, काफी तरक्की कर ली इन्होंने ना। और हाँ, फ्रंट में भी 32MP का कैमरा है। बाकी ये आने वाले आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के ऊपर। तो स्पेक्स तो काफी अच्छी है यार, आई होप फोन भी उतना ही अच्छा होगा। अब लॉन्च डेट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस महीने के लास्ट वीक में लॉन्च होगा या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में। प्राइस कितना होगा? लीक्स के अकॉर्डिंग इसका प्राइस 33,000 होने वाला है। तो अगर आपका इतना बजट है तो वेट कर सकते हो, अच्छा फोन होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले फोन पे जो कि सबका फेवरेट होता है मोस्टली, वो है सैमसंग। सैमसंग का जो M सीरीज मतलब मॉन्स्टर सीरीज, ये ना हमेशा मैक्सिमम परफॉर्मेंस अंडर बजट के लिए जाना जाता है, जैसे 6000mAh की बैटरी हो गई या अच्छा प्रोसेसर हो गया। तो इस बार सैमसंग अपना M35 लाने वाला है। 6.6 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा। पीछे ट्रिपल रियर कैमरा, 50MP मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड और 5 मैक्रो। बाकी फ्रंट कैमरा होगा 13MP। और प्रोसेसर की बात करें तो जो इनका खुद का एक्सिनोस 1380 आता है वो चिपसेट होगा। जो बेस वेरिएंट होगा वो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज होने वाली है। और मेन चीज इसके अंदर 6000mAh की बड़ी बैटरी होती है। साथ में सॉफ्टवेयर होगा One UI 6.1 जो कि एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड होने वाला है। और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी 25,000 के बजट में। अब नेक्स्ट फोन की बात करें तो वो है Realme GT60। 22nd मई को ये ऑलरेडी लॉन्च हो गए। और इसके स्पेक्स सुनो आप, 50MP सोनी IMX882 सेंसर होगा OIS के साथ, 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, फ्रंट कैमरा भी सोनी का ही है 32MP IMX615। तो कैमरास तो काफी अच्छे हैं भाई इसके। साथ में प्रोसेसर भी फ्लैगशिप किलर है, Snapdragon का 7 Plus Gen 3। और अगर आपको मैंने इसकी ब्राइटनेस बता दी ना, 6000 nits की पीक ब्राइटनेस है भाई। 6000 nits बहुत ज्यादा होता है। इस iPhone 15 Pro की मैंने चेक की जो 2000 nits आ रही है और 6000 nits ब्राइटनेस, तो आप सोच लो कि धूप में अगर आपने चलाना है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी 6.7 इंच की LTPO सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसमें IP68 तो नहीं पर IP65 रेटिंग आएगी, तो थोड़े बहुत पानी बारिश पसीने से इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड्रॉइड 14 पे ही बेस्ड होगा, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी, 5000mAh की बैटरी होगी और 12GB रैम वाला भी इसके अंदर वेरिएंट आएगा। और एक और चीज जो इसके अंदर अच्छी आने वाली है वो है UFS 4 स्टोरेज। इससे फोन डे टू डे लाइफ में काफी फास्ट परफॉर्म करेगा। और ये सारा कुछ आपको मिलेगा 29,000 से लेकर 32,000 के बीच में कहीं पे। तो आप ये देखो कि इस प्राइस पे इतने सारे फीचर्स और ये सारी परफॉर्मेंस आपको कोई और फोन नहीं दे रहा है। माना कि इसका प्रोसेसर एक जन पुराना है बट स्टिल होल्ड अप करता है एज कम्पेयर टू प्रोसेसर जो ऑलरेडी सेगमेंट में आ रहे हैं, इसीलिए इस लिस्ट में मैंने इसको ऐड किया है। अब दोबारा से सैमसंग की ही बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सैमसंग वो फोन लॉन्च करने वाला है जो कि उनका सबसे बड़ा लॉन्च होता है और सब लोग इसकी वेट करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 6 5G और सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 6 5G। अब देखो ऑनेस्टली बताऊं तो फोल्ड के तो यहाँ पे जो स्पेक्स हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बता दूंगा। बट जो फ्लिप के स्पेक्स हैं वो हमारे पास हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि ऑलरेडी फ्लैगशिप प्रोसेसर ही है। 12GB रैम वाला वेरिएंट भी आएगा। मेन डिस्प्ले जो होगी वो 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है और जो बाहर कवर्ड डिस्प्ले है वो 1.9 इंच की होगी। यहाँ पे 16MP का ड्यूअल रियर कैमरा होगा। मेगापिक्सल तो कम है बट स्टिल फोटो क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। बाकी फ्रंट कैमरा 12MP का और 4000mAh की बैटरी होगी। जिस दिन फ्लिप फोन में 5000mAh की बैटरी आ गई ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर वो भी बेचारे क्या करें, इतनी कम जगह में इतनी बैटरी कहां से डालें। अब ये सारे फीचर्स आपको किस प्राइस में मिलेंगे ये सब की कंफर्मेशन तो नहीं है, पर रूमर्स के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर वाला सेम प्राइस ही रहेगा। तो 85,000 से लेके 1,00,000 के बीच में कहीं पे इसका प्राइस होगा। अब फोल्ड की बात हो ही रही है तो वीवो भी यहाँ पे पीछे नहीं रहने वाला, वो भी अपना वीवो एक्स फोल्ड 3 लॉन्च करने वाला है। इसमें हमको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा और वो तीनों कैमरास 50-50MP के होंगे, वो भी OIS के साथ। फ्रंट में ड्यूअल कैमरा मिलेंगे दोनों 32MP के। बाकी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर, 12GB रैम, 256 स्टोरेज और हाई एंड डायरेक्ट कंपटीशन देगा सैमसंग के Z फोल्ड 6 को, क्योंकि इसका प्राइस उससे कम होने वाला है 80,000 के अराउंड। फिर लास्ट फोन आ जाता है हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग जो कि है HMD Aero 6। अब ये नाम आपके लिए नया नया सा होगा पर ये एक्चुअली नोकिया का फोन होगा जो कि HMD की ब्रांडिंग के साथ आएगा, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया ना। यहाँ पे बजट फोन होगा अराउंड
15-16 हजार का 6.6 इंच डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और पंच होल कैमरा होगा। पीछे ड्यूल कैमरा होने वाला है 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग होगी। प्राइस के हिसाब से स्पेक्स ठीक ठाक से हैं, पर चलो नोकिया किसी बहाने कमबैक तो कर रहा है। वैसे कौन खरीदता आजकल नोकिया के फोन? आपने किसी को देखा खरीदते हुए तो बताना नीचे। बाकी आप बताओ कि इन सब में से आप कौन से फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, अपने फोन का मॉडल नीचे कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लास्ट मंथ वाले अपकमिंग फोन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोको का F6 लॉन्च होने वाला है, तो इसका डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है जो आपको यहां दिख जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।